हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। हमने पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो हमें चेक करना है कि जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल है या नहीं। तो जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल होते क्या है, जब पॉलीनोमियल की वैल्यू जो है जीरो आ जाए, ठीक है, तो वही जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, थर्ड पार्ट को करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन दे रखा है, तो x की वैल्यू दे रखी है 1, -1। तो हम x की वैल्यू 1 रख के चेक करेंगे, ठीक है। तो पी वन इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही होता है, तो 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। तो फिर हम पी माइनस 1 रख के चेक करेंगे, तो पी इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है। अब हम फोर्थ करते हैं। पी एक्स हमको दे रखा है टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और x की वैल्यू दे रखी है -1, 2। पी एक्स की जगह -1 रख के चेक करेंगे, तो पी -1 इज इक्वल टू -1 + 1 इंटू -1 - 2। तो -1 + 1 होता है 0, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 इंटू -3। तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड होता है तो 0 ही आता है, ठीक है। और पी 2 रख के चेक करेंगे, तो इज इक्वल टू 2 + 1 × 2 - 2। तो 2 - 2 जीरो होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है। फिर फिफ्थ करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू दे रखी है 2, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ही होता है, तो ये भी एक जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है, ठीक है। तो सारे ही जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है। सिक्स फिर हम करेंगे, सिक्स वाला पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और x की दे रखी है वैल्यू -m/l। तो x की वैल्यू रख लेंगे l इंटू -m/l, तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस m, तो -m + m इज इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है। तो ये भी जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है। तो अब हम करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1 और x की वैल्यू दे रखी है -1/√3, 2/√3। तो x की -1/√3 रख के चेक करेंगे, तो p -1 तो 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो 3 × 1/√3 इज -1, तो इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 2/√3 रख के चेक करेंगे, तो इज इक्वल टू 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1। तो 2 का होता है स्क्वायर 4 और √3 का होता है 3, तो 3 × 4/√3, 3 से 3 कैंसिल आउट एंड -1, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलीनोमियल की वैल्यू है वो जीरो नहीं आ रही है, तो ये जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड का लास्ट पार्ट करते हैं, एट्थ क्वेश्चन। पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 दे रखिए, एक्स की वैल्यू दे रखिए 1/2, तो पी 1/2 इज इक्वल टू 2 × 1/√2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये भी जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल नहीं है, ठीक है।